नमस्कार, मैं संदीप कुमार बिहारी न्यूज से। आज हम बात करेंगे कौन बनेगा सांसद सेगमेंट में मधुबनी लोकसभा क्षेत्र की। मधुबनी पेंटिंग ने मधुबनी जिले के पूरे विश्व में अलग पहचान दिलाया है। कवि विद्यापति की जन्मस्थली भी मधुबनी है। आदि कवि कालिदास यहीं से ज्ञान प्राप्त किए थे। ज्ञात हो कि 1976 से पहले यह क्षेत्र जयनगर लोकसभा क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। इस लोकसभा क्षेत्र की पहचान पूर्व में वामपंथियों के घर के रूप में रही है। कभी यह क्षेत्र कांग्रेस के कब्जे में भी रहा। वही बाद के चुनावों में भाजपा ने यह मजबूत पकड़ बनाई। मधुबनी लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के 7 सांसद चुने गए। वही 3 बार भाकपा और 3 बार भाजपा के भी सांसद चुने गए। इसके अलावा संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, प्रजातांत्रिक सोशलिस्ट पार्टी और भारतीय लोकदल से भी एक एक बार सांसद चुने गए। कई दिग्गज नेताओं ने इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। इनमें बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस नेता डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र, डॉक्टर शकील अहमद, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के भोगेंद्र झा और चतुरानन मिश्र, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता व वर्तमान सांसद हुकुमदेव नारायण यादव शामिल हैं। मधुबनी और दरभंगा दोनों जिलों में इस लोकसभा क्षेत्र का विस्तार है। मधुबनी जिले के 4 विधानसभा क्षेत्र हरलाखी बिस्फी, हरलाखी, मधुबनी और बेनपट्टी एवं दरभंगा जिले से 2 विधानसभा क्षेत्र जाले और केवटी इस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। वर्तमान में मधुबनी, बिस्फी व केवटी पर राष्ट्रीय जनता दल का कब्जा है। दूसरी ओर बेनपट्टी कांग्रेस व जाले भाजपा के कब्जे में है। मधुबनी की आबादी 44,87,379 है। यहाँ 1,282 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में वास करते हैं। वही अगर हम बात साक्षरता की करें, यहाँ की औसत साक्षरता करीब 60% है। मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या 30,14,211 है। सबसे खास बात यह है कि मधुबनी पेंटिंग से यहाँ के सभी सरकारी भवनों को सजाया गया है। इस पेंटिंग की चर्चा देश विदेश में खूब हो रही है। मधुबनी लोकसभा के अधिकांश भाग अभी भी रेल सेवा से वंचित हैं। मिथिला का यह क्षेत्र अभी भी विकास के लिए तरस रहा है। भले ही मधुबनी रेलवे स्टेशन देश का दूसरा सबसे खूबसूरत स्टेशन हो, लेकिन यहाँ के अधिकांश भाग अभी भी रेल सेवा से वंचित हैं। बंद चीनी मिल को चालू करने, बाढ़ सुखाड़ का मुकम्मल व स्थायी निदान, खादी ग्रामोद्योग को सुदृढ़ करने, विभिन्न क्षेत्रों में रेल सेवा बहाल करने की मांग यहाँ की जनता लगातार कर रहे हैं। 5वें चरण में 6 मई को मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में मतदान होगा। इस क्षेत्र में कुल 17,87,746 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इस बार यहाँ के कुल 17 उम्मीदवार अपना भाग्य आजमा रहे हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला 3 उम्मीदवारों के बीच है। महागठबंधन की ओर से विकासशील इंसान पार्टी यानी VIP उम्मीदवार बद्री कुमार पूर्वे, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी NDA की ओर से BJP के उम्मीदवार अशोक कुमार यादव एवं निर्दलीय उम्मीदवार पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर शकील अहमद के बीच टक्कर होगी। इन तीनों के अलावा 14 अन्य उम्मीदवार मैदान में हैं। आइए अब हम जानते हैं मधुबनी से कब कौन बने सांसद। वही मधुबनी से 3 बार हुकुमदेव नारायण यादव ने बाजी मारी, जो क्रमशः 1999, 2009 और 2014 है। वहीं डॉक्टर शकील अहमद कांग्रेस से 2004 में जीत अपने नाम की थी। अब ये देखना होगा कि मधुबनी की लोकसभा क्षेत्र 2019 में किसके झोली में जाती है। इसी तरह के वीडियो को और देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल बिहारी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।